गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में टॉपिक ले रहे हैं अपन ग्रामर का। इसमें इज एम ए आर को इसका देखते हैं। तो देखिए, इज आई के साथ क्या लगता है एम, और ही शी ईट के साथ लगता है इज, यू वी दे आर के साथ क्या लगता है आर। तो इज का यूज अपन कब करते हैं, यूज्ड विथ वन पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग। जब इज में वन पर्सन रहेगा, एनिमल रहेंगे और प्लेस होगा, थिंग होगी, तो अपन क्या करेंगे, इज का करेंगे। एम का यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवर सेल्फ, यूज्ड व्हेन वी के साथ क्या लगता है एम के साथ वी आर रहेगा, और एम जब लगाना होगा तो वी आर रहना चाहिए, और क्या अपने खुद की बात होनी चाहिए अवर सेल्फ। आर यूज्ड इट इफ देयर आर मेनी पीपल एंड प्लेस और थिंग, बहुत सारे मेनी होंगे, जो एक की नहीं अनेक की बात करते हैं, वहाँ पे क्या लगेंगे आर। तो देखिए, एक कंप्लीट द सेंटेंस विथ इज एम आर, अब अपन को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वाला क्या है, ए टायर्ड, तो आई एम टायर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा एम, सिंगल की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा एम, आई के साथ हमेशा क्या लगता है एम, ये यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था। सेकेंड, आंट्स ऑलवेज बिजी, ये आंट्स आ रहा है, आंट्स मतलब बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा आर, क्या हो जाएगा ये बहुत सारे हो गए, तो इफ मैनी के साथ क्या हो गया आर, तो ये ए आर ई। क्वेश्चन नंबर थ्री, द डॉग अंडर द टेबल, डॉग टेबल के नीचे है, तो इसके क्या लगेगा, द डॉग इज एनिमल के साथ वन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा इज लगेगा। फिर आई के साथ क्या लगता है हमेशा एम, आई एम हैप्पी। यू के साथ क्या लगेगा, मतलब एक की नहीं अलग की बात होती, यू वेरी काइंड टू मी, यहाँ पे क्या लगेगा यू के साथ हमेशा आर। और सिया इज सिया एन इंटेलिजेंट गर्ल, सिया एक की बात हो रही है तो इस एक के बात होती है तो इज लगता है। आया आपको समझ में, ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और अच्छे से इसको सीखना है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।